पहली बार जो काम शुरू किए तो थोड़ा आदमी सब देखता था तो अजीब लगता था कि कोई देखेगा तो क्या कहेगा कि काम कर रही है औरत, लेकिन क्या है कि जो कह रहा कहने दीजिए, मेरे खुशी है अपने पति को हाथ बटाने में, वो अकेले करते थे हमको अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए जो हम कहें कि हम भी काम करेंगे साथ, जब तक थे तब तक ही करते थे। कुछ ही दिनों के बाद उनका तबीयत ख़राब हो गया और बहुत हम इलाज कराए, नहीं हुआ सही, दगाल हो गए, सारा बोझ मेरे ऊपर पड़ गया। उसके बाद फिर हमने सोचा कि कैसे होगा, फिर हम अपना हिम्मत किए, सोचे करके देखते हैं, पांच गो बाल बच्चा है, चार लड़की एक लड़का है, लोगों का पढ़ाई लिखाई कैसे होगा और जो है कैसे घर परिवार चलेगा। मैं एक अकेली तो थी नहीं कि किसी के यहाँ पर रह जाती तो हो जाता, इसलिए हम अपना काम शुरू कर दिए, अपना ही बिजनेस। और वो बोले भी थे कि हमको अगर कुछ हो जाएगा तो तुम अपना संभाल लेना, आज नहीं करती तो किसके सहारे जीती, कौन करता पांच को बच्चा को, कौन पोसता कौन रखता, यहाँ पर अपना जमीन खरीद के घर बनाए, जमीन खरीदे घर बनाए, अभी जो है लड़का को नौकरी हुआ, पढ़ाई लिखाई किए, शिक्षित किए, बच्चों लोग को तो नहीं किए कुछ। अब समझिए कि मेरे परिवार में जो है मेरा ही बच्चा सबसे आगे है, मेरे परिवार में किसी को जॉब नहीं, लेकिन अपने लड़का को जो है निकाल दी। मम्मी मतलब अगर चाहती तो मुझे भी अपने साथ इस काम में लगा सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, मुझे पढ़ाया लिखाया, जॉब के काबिल बनाया, मेरी चारों सिस्टर्स को सबको ही पढ़ा रही है। ये कि मतलब एजुकेशन जो है ना, ये जो एजुकेशन विल चेंज एवरीथिंग। हार नहीं मानना है, अभी भी जितना लड़की चाहेंगे पढ़ना पढ़ाएंगे, अभी आगे बहुत कुछ करना है, और मुश्किल तो हर इंसान के साथ आती ही रहती है ज़िंदगी में,